और ऐसे आराध्य और इष्ट देव के प्रांगण में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। देवाधिदेव महादेव का नवनिर्मित मंदिर भी बहुत सुंदर बनाया। अभी अभी आप सब लोग नगर परिक्रमा कलश यात्रा करके ये सब आस्था विश्वास का विषय है और इसको सुनता की भाषा में कह दो तो दिल खोजा दिल पाया गहरे पानी पेट। जो इस आस्था विश्वास और श्रद्धा के समुद्र में बहुत गहरी जो डुबकी लगाएगा कितने ही उसको मोती मिलते जाएंगे। ये है आस्था का विषय, ये है श्रद्धा का विषय और ये विश्वास का विषय है। सब कुछ हम उनके पास कितने हैं। इस आज के युग में विज्ञान को बहुत महत्व देते हैं पर विज्ञान से भी बड़े कुछ चीजें हैं उनके हम निकट कितने हैं। हम जैसे जैसे उनके निकट जाएंगे ऐसे ऐसे हम उनके निकट जाने से उनका प्रभाव उनका महत्व कुछ हमारे समझ में आएगा। जो हमारी परंपरा थी वैदिक परंपरा सनातन परंपरा लाल मेघालय की पद्धति ने बहुत कुछ उस पर वज्रपात किया है और वो चलते चलते 70 वर्षों में उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ा हमारी पीढ़ियों पर। इसका नए युवा कुछ दिग्भ्रमित जरूर हुए हैं। मेरा आज एक चिंतन आया था कि आज से 50 वर्ष पूर्व घर का गांव का समाज का मुखिया जो कहता था उसकी पालना करते थे। वो एक आदेशात्मक होता था, आदेश जो कह दिया वो करना है। ये 50 वर्ष पूर्व की बात है। जैसे मिलिट्री में आदेश करते हैं तो सिपाही उसका पालन ही करते हैं, आदेश की पालना करते। ऐसा था परिवारों में समाज में। उसके बाद दूसरा दौर आया, उसके अंदर आदेश की जगह विचार विमर्श होना शुरू हुआ। हाँ आपने कहा है हम विचार करेंगे, ये चिंतन चला कई वर्षों तक। ऐसा चला कि आपने कहा है आप हमारे मुखिया हैं, आप समाज के परिवार के मुखिया हैं, आपने कह दिया हम विचार करेंगे। फिर तीसरा चरण और आया, फिर विचार भी खत्म हो गया। उसके बाद में तर्क आया, तर्क आप कह रहे हो जरूरी ऐसा हो। उदाहरण के तौर पर पंडित जी ने कहा कि भगवान के मंदिर में जाना चाहिए तो तर्क किया क्यों जाना चाहिए, वो भगवान है। तो बोले कि आपने देखा है महात्मा आए उनको प्रणाम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए कि महात्मा है क्या मतलब महात्मा है। तो ऐसे तर्क करना शुरू, तर्क का जमाना चला और तर्क से चलते चलते वर्तमान में जो आया है वो आ गया केवल ना, नहीं बस। ये जो नकारात्मक भाव आया हमारे अंदर ये हमारी संस्कृति धर्म परंपरा पर जो ये हम कर रहे हैं इसको कहीं कहीं मिटाने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है और इस युग में पुनः उसकी आवश्यकता है। ये भी जानते हैं लोग, कब मानते हैं जब वो उनको ठोकर पड़ती है। भौतिकवाद में व्यक्ति अपने को इतना बड़ा मजबूत मान लेता है, विज्ञान के इस दौर पे अपने को इतना सक्षम मान लेता है, वो भगवान को मानता नहीं है। पर तो जब उसको ठोकर लगती है तो उसको मानना पड़ता है। कोरोना काल में जिनको अहम था अहंकार था वो एक झटके नीचे आए सब और उनको अपनी धरातल याद आई कि मैं हमारी धरातल क्या है। भौतिकवाद में जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया भोग से सुख चाहना चाहते थे वो सब छोड़ करके हरिकृष्ण हरिरामा जपते मिलेंगे आपको। वो छोटी जनेऊ धोती और राम की कीर्तन करते आपको वृंदावन में मथुरा में हरिद्वार में मिलेंगे। पर चिंतन का विषय यह है कि वो लोग सब छोड़ करके हमारी इस परंपरा में आ रहे हैं और हम लोग ये छोड़ क्यों रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव जो पड़ा है वो मूलतः यह है, आप अन्यथा डालें इसमें सबसे बड़ा कमी का कारण है तो गुरु का है।
जगत गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा गुरु सन्यासी। जब गुरु ने धर्म को व्यापार में लाना प्रारंभ किया या धर्म को स्वार्थ से उपयोग करना शुरू किया, तब ये स्थितियां खड़ी हुई है। और जो विद्या दी जाती थी उस विद्या का व्यापारीकरण शुरू हुआ, तब से हमारा धर्म की हानि हुई है। जो विश्व गुरु था वो आज कहां खड़ा है हम सबको दिख रहा है। और सबसे पहले आया था इस संसार में जो संस्कृति, जो धर्म, जिसको अपने सनातन धर्म कहते हैं, बाकी का सबका कालखंड है, इसका कालखंड भी नहीं, आदि अनादि है। आज उसका प्रभाव कितना है मानव पर, कितने क्षेत्र में है, कितने देशों में है, उसका कारण क्या है? कारण ये, जिनका उत्तरदायित्व बनता था, जिनका कर्तव्य बनता था, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। इस कारण आज हमें बहुत हानि हुई है। पर तो प्रसन्नता है कि आप जैसे इस परंपरा का निर्वाह करने वाले विद्वान लोग हैं, सब कुछ से छोड़ करके मान अपमान स्वार्थ को छोड़ करके धर्म के लिए रथ हैं, अपना सर्वस्व धर्म के लिए, अपने परंपरा के लिए देते हैं। इसी निमित्त आज बीकानेर के अंदर आपने पहले श्रीनाथ भगवान का मंदिर बनाया, अब हमारे देवाधिदेव महादेव जी का मंदिर बनाया, और ये आने वाली पीढ़ियों भी बहुत अच्छा काम है। पर तो आने वाले बच्चे इस परंपरा को हृदयंगम करें, आरज बिराजो आने वाले बच्चे वो नाम नहीं बदल रहे आपकी इस परंपरा को, जो अभी ना की परंपरा चल रही, नहीं बस नहीं, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके पास बच्चे कितने बैठते हैं वो अलग विषय है, आप जरूर कुछ उनको शिक्षा दीक्षा संस्कार देते होंगे, पर तो अधिकांश बच्चे किसके साथ अपना जीवन यापन करते हैं उन पर पूरा ध्यान रखना है। आज के युग में सबसे ज्यादा विद्यार्थी और युवा के संगत में कौन रहता है, किसके संगत में रहता है? पहले बच्चे बड़े होते थे तो माता पिता को गर्व होता था कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं निश्चिंत हो गया, और उसकी छाती चौड़ी होती थी, ऐसे घूमता था। अब जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता के चिंता की लकीरें आती है कि जवान हो गया, पता नहीं क्या कर बैठेगा, कहाँ काला मुंह करेगा, बेरा करेगा, समाज का करेगा, पता नहीं क्या कर बैठेगा, ऐसी स्थिति खड़ी होगी। इसलिए आप सबको मेरा इतना ही निवेदन है कि इस परंपरा को जड़ों से जुड़ करके समाज और परिवार में एक प्रकार से ऐसी मजबूती से रखें कि आने वाली पीढ़ियां इसको सहस्त्र ढंग से, आपने एक किया तो सौ प्रकार से आयाम खड़े करके खड़ी करें। और ये शुभ संकेत है, इस समय हमारे लिए स्वर्णिम दौर भी है। राष्ट्रीयगत और राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से इस समय सनातन परंपरा के लिए स्वर्णिम दौर भी है। इस स्वर्णिम दौर के अंदर बहुत बहुत अच्छे अच्छे शुभ संकेत हो रहे हैं। अब समय पर चोट होती है तो वो असर करेगी। इस समय पुनः गुरु को जगना है, गुरु को अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना है। जगत गुरु ब्रह्मा और ब्रह्मा गुरु सन्यासी, सनातन धर्म के ये दोनों गुरु हैं। इन दोनों को अपने कर्तव्य का बोध करना है कि मैं कौन हूं। और जब कर्तव्य बोध हो जाता है और उसका पालन करना है तो सारी समस्याओं का समाधान। कर्तव्य बोध है और फिर भी पालन नहीं करता है तो शास्त्रों ने इसको वामपंथी कहा है। कर्तव्य कह दो, ड्यूटी कह दो अंग्रेजी में, उर्दू में फर्ज कह दो, और शास्त्रों में धर्म कह दो, एक ही क्रिया का नाम है। कर्तव्य, ड्यूटी, फर्ज और धर्म, इसी को धर्म कहा है। आपके कर्तव्य को धर्म कहा है। जब हमें पता चल गया कि मैं ये हूं और फिर मेरे को पालन नहीं करता हूं तो मैं पापी हूं, और कर्तव्य बोध होने के बाद बोध है कि मैं ये हूं, नहीं करता हूं महापापी। इसलिए हम सबको पता है कि हम कौन है, हम जगत गुरु है और जगत गुरु सन्यासी है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि ये जो सुंदर साधवी परंपरा
जो गुरु परंपरा है आपका मेरा सौभाग्य है कि हमने उसमें जन्म लिया और ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। आप जगत गुरु के रूप में हो और हम ब्रह्मा के गुरु के रूप में हैं। हम सबको अपने सनातन परंपरा को जीवित करने के लिए अपने कर्तव्य का बोध करके पालन करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे स्वार्थों से उठ करके इसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और जो जो धर्म आगे बढ़ा है, जो जो संप्रदाय आगे बढ़ा है, वो उनके धर्म गुरुओं के कारण ही बढ़ा है। और कमजोर हुआ तो भी उनके धर्म गुरुओं के कारण ही हुआ है। जो धर्म गुरु जिनका कालखंड 1400 वर्ष है या 2023 है, वो आज विश्व में बहुत सारी जगह क्यों फैला? क्योंकि उनके धर्म गुरुओं ने अपने कर्तव्य का बोध करके पालन किया है। और इधर हमारे कर्तव्य का बोध तो है, परंतु हमने स्वार्थ को आगे रखा, धर्म को पीछे रखा। धर्म रक्षण रक्षित धर्मो अंति अंता, इस बात को हम भूल गए। हम स्वार्थ को रख करके चलते हैं, मुझे क्या लाभ होगा फिर मैं काम करूंगा। व्यापार को बढ़ाने का हमारा तो चिंतन है, पर धर्म को बढ़ाने का चिंतन नहीं है। पुनः एक स्वर्णिम दौर के अंदर हम सबको एक आत्मचिंतन करते हुए अपने का कर्तव्य बोध करके धर्म का पालन करना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मुझे क्या करना चाहिए। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे दूसरे संस्कार अपना करके जड़ों से कट जाएगी। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ बहुत विद्वान जन विराजे हैं और आप सबके अंदर धार्मिक वृद्धि। मैंने इसलिए सबसे प्रारंभ में ये कहा कि जहां विश्वास हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, वहां सब कुछ प्राप्त होती है। श्रद्धा या लब्धे ज्ञानम, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है वो ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान है तो सब कुछ है। मैं पुनः आप जैसे सुधीजनों का, विद्वान जनों का, ज्ञानियों का हृदय से आभार करता हूं कि 21वीं सदी में इस भौतिकवाद में आपको पुनः अपनी परंपरा को जीवित करने के लिए, सृजन करने के लिए इतना भव्य आयोजन किया, मंदिर बनाया, समाज के सहयोग से बनाया, ये संदेश आगे तक बना रहे, आने वाले आपके बच्चे बच्चियां इस परंपरा को बहुत श्रद्धा के साथ निभाते रहे। किसी भी प्रकार के छोटा विचार, नकारात्मक भावना लाए, न व्यक्तिवाद में पड़े न और किसी बात में पड़े, एक ही भाव रखें कि हम सनातन धर्म के गुरु हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, कौन आगे कौन पीछे, कौन कौन ऊपर कौन नीचे, उसका कोई चिंतन नहीं करना है। सभी एक माला के मन के हैं, जहां से आप उठाओगे वही सुबेरु का उद्धार करें। समाज में बड़े छोटे पद भी होंगे, उम्र भी होगी, धड़े भी होंगे, तो धार्मिक आयोजन में सब एक समान। इतना ही मैं आशा रखता हूं, मेरा जोक सहयोग अच्छा था कि आपके बीच में मुझे आने का मौका दिया। आप लोग बड़े प्रेम और भाव से मुझे निमंत्रण देने आए थे, इसलिए चाहे कितना भी व्यस्त था तो भी मैं आपके बीच में आया। और अभी प्रवास है मेरा दिन भर का, मैंने अभी तक आधे दिन में 600-700 किलोमीटर प्रवास कर लिया है। और अभी मैं यहाँ से देसूरी जाऊंगा, देशरी में कोई आयोजन है वो करके वापिस आऊंगा। मन तो आपके बीच में बैठ करके और सुनने का है, पर मैंने सुनाया सुनाया है, कभी सुनूंगा भी आप। इतना ही कहते हुए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका दिया आपने आने का। आपका आयोजन सफल होगा, आपकी मनोकामना आपके ईश्वरदेव, आपके प्रधान देव आपकी सात्विक मनोकामना पूरी करेगी आशा अनुसार। जय सियाराम, भारत माता की जय, भगवान नमः। सभी मानव और प्रतापपुर